पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दी और फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मरम भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे हैं। भरत जी जनक जी सुमनिजन मंत्री ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य जिस प्रकृति जिस स्थिति का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र को भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी का स्वभाव वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान बाम अभाग और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे। परिणाम में हितकारी जानकर सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। हे तात, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हार समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो।
तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परमहितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुम्ब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय की संध्या से पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असमायिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको मैं अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक दुख है तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई की सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर माता सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मानो गूंगे पर माता सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, स्वामी आपके अवशेष के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर श्री भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई,
अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद उत्पन्न हो गया। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआ है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआ था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआ बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कुप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कुप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कुप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी के, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के
प्राण प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात आश्चर्य की नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के अलग अलग भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर और विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का अनुसरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर ढाई पहर बीतने पर लौट पड़ते हैं और आज्ञा पाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। श्री भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और श्री महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवध भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और सहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है।
मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ स्वयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद में दोनों में भला है। गुरु पिता और माता स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर का उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष नहीं हुआ। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पामरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया, वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उल्लंघन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भर भर कर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण सुगुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे स्थिर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको परमपिता ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे, वह संकोच रस अखतनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर
शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके विनती की और फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके श्री सीता जी के चरणों की वंदना करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चल दिए। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव जी के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जा वाले और शुभ आचरण वाले कुटुम्बी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता केकई के चरणों की वंदना करके उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली श्री सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिलीं। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की ओर से प्रीति में समाई हुई रह गई। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु पक्षी हृदय में हारे, शिथिल हुए, परवश, मनमारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटी पर आए। फिर समान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कौल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता श्री सीता जी और लक्ष्मण जी बड़की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर
देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा साज समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध व्यवस्था की। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी चार दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले गए। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्यापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहुरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को और अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरुजी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की सम्मति सुनकर कुबेर भी ले जाते थे उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौंरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष महालक्ष्मी जी के विलास भोग ऐसर को बमन की भांति त्याग देते हैं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग्य स्वरूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है।
भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है, बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। संस्कृत में कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति स्मृति आकाश गंगा सरीखों प्रकाशित हैं। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष श्री गणेश और माता लक्ष्मी माता सरस्वती जी भी नहीं हैं। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब कार्य करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को त्याग कर रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, पाप समुद्र रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संताप के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सोयस के बहाने कौन हरण करता तथा कल काल में तुलसीदास जैसे सठों को हट पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सिया राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। जय सिया राम। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को पास में बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती।
धैर्य, धर्म, मित्र, स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्म, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों ना हो। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए, ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हो पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्रों को श्री तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग
सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों ही मुनियों का सुंदर भेष बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराद राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ वहां आए, जहां मुनि सर्वभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौंरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में ही कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आए हैं। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनोचर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन हो गए, इसलिए उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह, मुनि श्रेष्ठ, सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड, पृष्ठ संख्या 567 से 584 तक। जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति, विराद वध एवं पंचवटी में निवास। आइए श्री राम कथा शुरू करें। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र
वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप परमपिता ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। वह मूड मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त वह चला, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी रचना करने लगता है और देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। देवर्षि नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका बद ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा? चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया
कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यह बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीताजी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। ऋषि अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आंसुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल फूलों के हुए कमल के समान नेत्रों और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजाओं और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति के प्रिय छोटे भाई बामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरणों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समपक्ष पात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी, अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे, उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया,
त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गागा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोन्मद दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। भगवान प्रभु श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरण कमलों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस का प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमल के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के लिए पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर भेष वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, भगवान शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है,
अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रिय से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथाप हे खरारी, श्री राम जी लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करें। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या मांगूं। अतः हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप किया करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े, भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए।
मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं जो अनुभव से ही जाने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं और इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा, पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौंरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जीवी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूँ। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो और मैं
मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवक का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में, सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कामों में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तो वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम, मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म, वचन और मन में से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड पृष्ठ संख्या 588 से 624 तक, सूपनखा की कथा, सीता हरण
एवं संतों के लक्षण और सत्संग भजन के लिए प्रेरणा तक। आइए श्री राम कथा शुरू करें। सूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, सूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है ना मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है, वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभिता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब अधिकार है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यवचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा और लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा का तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब सूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की, राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़कर अनेकों प्रकार के आकारों वाले वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी सूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उमड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा,
राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उस वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल बरछी कृपाण कठार परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे।
उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके हट उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौंच कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां जहां गिर पड़ते हैं फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर लल ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में दस दस बाण मारे। योद्धा वीर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया। जिसके शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी श्री सीता जी को लेकर के आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूपण खाने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा से लज्जा, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहकर सूपनखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव,
तेरे जीते जी मेरी यह क्या दशा हो गई। सूपनखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने सूपनखा की बाह पकड़कर उसे बिठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं? वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले, मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने सूपनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा। और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। भगवान श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। श्री सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं।
हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना है होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल वाला बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर भगवान शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान वैद्य, भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करना में कल्याण नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं।